श्याम सेवा समिति के तत्वावधान में प्रेस वार्ता की गई आयोजित 15 अक्टूबर को होने वाले श्री श्याम खाटू महोत्सव के बारे में दी जानकारी। दरअसल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम समिति के तत्वावधान में भव्य श्री श्याम खाटू महोत्सव का आयोजन सिविल लाइन्स स्थित कंपनी बाग जिगर मंच पर बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। दरअसल इस कार्यक्रम के बारे में महानगर के समस्त धर्म प्रेमियों को भाव भरा निमंत्रण देने के लिए एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया है। वहीं बैठक में बड़ी संख्या में उपस्थित श्री श्याम खाटू सेवा समिति से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में जनता के साथ विचार विमर्श किया और अपने अपने विचारों से अवगत कराया। वहीं बताया कि विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के उपरांत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस भव्य दरबार में जयपुर से मशहूर गायक मुकेश बागड़ा और साक्षी अग्रवाल भजन अमृत वर्षा करने आ रहे हैं। वहीं इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, सुरेश सैनी, चंचल मदान, जयप्रकाश गुप्ता, कपिल अग्रवाल, राजेश कौशिक, उमेश सिंह, विपिन दुबे, सत्यनारायण श्रीवास्तव, राजकुमार शर्मा, संगीता शर्मा, प्रियंका रस्तोगी, पवन अग्रवाल एवं आदि लोग उपस्थित रहे। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? जय श्री श्याम। मेरा नाम डॉक्टर रोहित अग्रवाल है। किस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कब? श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का नवा श्याम आस्था महोत्सव हम लोगों के तत्वाधान श्री श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में रखा गया है और अत्यंत हर्ष और अभिमान का विषय है। कल 15 अक्टूबर को जिगर मंच पर ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें पावन सानिध्य देने के लिए महाराज जी स्वयं खाटू नगरी से पधार रहे हैं, दिग्विजय सिंह चौहान जी, और बहुत ही मशहूर गायक मुकेश बागड़ा जी जो जयपुर से आ रहे हैं, जो सर्वप्रथम बाबा के अनन्य भक्तों में से हैं, और बहन, छोटी बहन साक्षी अग्रवाल जो चित्तौड़गढ़ से आ रही है। मंच का संचालन श्री भगवान दीक्षित जी हैं सोनीपत से, वो आके करेंगे। मैं समस्त महानगर वासियों से, मंडल वासियों से हाथ जोड़ के अपनी समिति, संपूर्ण श्री श्याम सेवा समिति की ओर से प्रार्थना करना चाहता हूँ, कल के भव्य महोत्सव में आप सब परिवार, सब मित्रों सहित पधारे और कार्यक्रम को और भव्य और आनंदमयी बनाए। बाबा का पावन श्रृंगार, बाबा के लिए 56 भोग, भंडारे की व्यवस्था और संपूर्ण व्यवस्थाएँ एक महोत्सव की हमारे तत्वाधान में वहाँ करी गई, उसके लिए पधारे। का आयोजन किया जाना है और क्या जानकारी आ रही है? ये अपना नवम श्याम आस्था महोत्सव का आयोजन जिगर मंच कंपनी बाग में किया गया है और विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण जो कि संभव नहीं हो पाया था, इस वर्ष बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें पावन सानिध्य रहेगा श्री दिग्विजय सिंह चौहान, निज मंदिर पुजारी खाटू धाम। अतः मैं सभी महानगरवासियों से और धर्म प्रेमियों से निवेदन करूंगा कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री श्याम। आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा ये बता दीजिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल मदान, आज श्री श्याम सेवा समिति रजिस्टर्ड का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है कि ये हमारी बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस मदर किचन गुरट्टी पे हो रही है और इसमें मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी, विशेष अतिथिगण माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, कैबिनेट मंत्री महापौर विनोद अग्रवाल जी, महानगर विधायक नितेश गुप्ता जी, डीएम साहब शैलेन कुमार जी और पूर्व सांसद कुमार सर्वेश जी, जिन्हें हम कल निमंत्रण भी देके आए हैं अपने हाथ से। उन्होंने विश्वास दिलवाया है कि हम जरूर पहुँचेंगे, कुछ ना कुछ समय निकालेंगे। बस इसी बात से मैं हमारी को विराम दूंगा। कल जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ही भव्य होने जा रहा है और 9 नंबर हिंदुओं के लिए बहुत लक्की है, इसलिए हम चाहेंगे, महानगर वासियों से अपील है, कृपया एक बार बाबा का अलौकिक दर्शन जरूर करें। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।